डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजनेट प्रो पे। दोस्तों आज हम लॉजिकल रीजनिंग के अंदर इंडियन लॉजिक की बात करेंगे। दोस्तों इसमें से अभी हमारे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं, ये हमारे नए सिलेबस के अंदर ऐड हुआ है। और दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको भारतीय दर्शन करवाने वाला हूं। और सबसे खास बात आज की वीडियो की ये होने वाली है कि मैं आपको 2020 के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हैं हमारे इंडियन लॉजिकल सिस्टम से रिलेटेड, वो सभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। और दोस्तों मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इंडियन लॉजिकल सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ये टॉपिक जो है कि थोड़ा सा मुश्किल लगता है, सभी को पजलिंग हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों आज मैं पूरी गारंटी के साथ आपको कहता हूँ कि आज अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो बिल्कुल आसानी से आपको इंडियन लॉजिकल सिस्टम आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना। और दोस्तों यहां पे मैं आपको दिखा भी देता हूं कि ये देखिए, ये हमारी लॉजिकल रीजनिंग के सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर है 2020 के, आप यहां पे देख सकते हैं। ये सभी शिफ्ट 20 शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हमने हिंदी इंग्लिश के अंदर अलग अलग किए हुए हैं। जैसे रिसर्च के जो भी क्वेश्चन आए वो अलग है, टीचिंग के अलग है, लॉजिकल रीजनिंग के अलग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आज थ्योरी करेंगे इंडियन लॉजिकल से रिलेटेड, और उसके बाद में जो क्वेश्चन आए, ये देखिए ये जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन हम करके देखेंगे कि ये क्वेश्चन हमें किस तरह से सॉल्व करने, कहाँ से कैसे करने हैं। अब देखिए जब भी हमारे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम बहुत ज़्यादा पजल हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि कहाँ से आते हैं ये। लेकिन दोस्तों अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो आप बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, और आज हम यही करने वाले हैं। पहले मैं आपको थ्योरी करवाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, और उसके बाद में ये क्वेश्चन सॉल्व आउट करवा के दिखाऊंगा कि किस तरह से इनको हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आपको नेट और जीआर चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोस देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है। हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे, और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमीजनेट है तो जीआरएफ है। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, भारतीय दर्शन की, इंडियन फिलोसफी की। और इसके अंदर क्या है दोस्तों, काफ़ी तरह की टर्म्स है, काफ़ी तरह की चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और वैसे तो देखिए अगर इसके बारे में हम पढ़े तो बहुत ज़्यादा डिटेल में है ये चीज़ें करें तो हम क्या पता एक महीने तक हम कर सकते हैं, लेकिन आज हम इसके अंदर बेसिक चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। हमारे UGC नेट एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वही उन्हीं को पॉइंट आउट करते हुए हम देखेंगे टॉपिक। ये देखिए भारतीय दर्शन के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों श्रुति की बात करते हैं, और इससे रिलेटेड हमारे तीन से चार क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, और आज भी मैं आपको क्वेश्चन दिखाने वाला हूं कि 2020 में इस तरह इसमें से कैसे क्वेश्चन आए हैं। देखिए श्रुति क्या है दोस्तों, श्रुति हिंदू धर्म के सर्वोच्च और सर्वोपरि धर्मों का समूह है। ये क्या है दोस्तों, ये हमारे जो धर्म ग्रंथ है उनका एक समूह है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है सुना हुआ, यानी ईश्वर की वाणी जो प्राचीन काल में ऋषियों द्वारा सुनाई गई थी और जो शिष्यों के द्वारा सुनकर जगत में फैलाई गई थी, तो इसे हम क्या कहेंगे, श्रुति कहेंगे। यानी कि जो ईश्वर के बारे में कोई भी किसी ने सच्ची वाणी कही है, किसी धर्म गुरु ने या ऋषि ने कही है, और उसको सुन के फिर आगे किसी ने सुनाई है, तो इसे हम क्या कहेंगे, श्रुति इसको बोला जाता है। और उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट चीज आते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस दिव्य स्रोत के कारण इन्हें धर्म का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। इनके अलावा अन्य ग्रंथों को स्मृति माना गया है, यानी कि ऐसे ग्रंथ जिनके बारे में ऋषि मुनियों ने नहीं बताया है भगवान के बारे में, तो उनको क्या कहेंगे, स्मृति कहेंगे। जो ऋषि मुनियों के द्वारा नहीं बताई गई है उनको क्या कहेंगे, स्मृति कहेंगे। और जो ऋषि मुनियों द्वारा बताई गई है, सच्ची बातें बताई गई है ईश्वर के बारे में, तो उसे हम क्या कहेंगे, श्रुति कहेंगे। ये चीज आप ध्यान में रखना, मैं बार बार कह रहा हूं इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। और आगे देखिए आगे इसमें और क्या चीज है,
जो वस्तुतः श्रुति के ही मानवीय विवरण और व्याख्या को माने जाते हैं। यानी कि फिर ये जो स्मृति है, ये स्मृति बहुत आगे जाके बढ़ती है और इसका जो श्रुति जो होती है हमारी, उसका उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। ये क्या है कि ये विस्तार, ये कन्वर्टेड होती है, ठीक है। और इसके अंदर आगे हम देखते हैं, इसके अंदर क्या है, श्रुति और स्मृति में कोई विवाद होने पर श्रुति को ही मान्यता मिलती है, स्मृति को नहीं। ये हमारा यूजीसी नेट के अंदर क्वेश्चन आया है दोस्तों 2020 के अंदर, ये ध्यान से देख लीजिए आप। जब श्रुति और स्मृति दोनों के अंदर कंट्राडिक्शन हो जाए तो किसको सही माना जाएगा, हमारी श्रुति को राइट माना जाएगा, इसको सही माना जाएगा। क्योंकि ये क्या है, ये ओरिजिनल चीज होती है, भगवान के बारे में किसी ऋषि मुनि ने बताई हुई होती है, तो हम श्रुति को बिल्कुल राइट मानेंगे, ठीक है। और देखिए श्रुति में चार वेद आते हैं, श्रुति में चार वेद कौन कौन से आते हैं, ऋग वेद, साम वेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, ये चार वेद इसके अंदर आते हैं। और आगे हम देखते हैं, जैसे माता पिता अपने संतानों पर कृपा दृष्टि कर उनकी उन्नति चाहते हैं, वैसे ही परमात्मा ने सब मनुष्यों पर कृपा करने के लिए वेदों का प्रकाशन किया है, जिससे मनुष्य अंधकार से दूर हो जाए और भ्रम जाल से वो छुटकारा पा ले। तो इसके अंदर मुख्य रूप से हमारे चार वेद है, कौन कौन से है, हमारे ऋग वेद है, ऋग वेद किसके बारे में बताता है, ज्ञान कांड के बारे में बताता है, यजुर्वेद कर्म कांड के बारे में बताता है, साम वेद उपासना कांड के बारे में बताता है, और अर्थवेद विज्ञान कांड के बारे में बताता है। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे तो समस्त दर्शनों की उत्पत्ति वेद से ही हुई है, जितने भी दर्शन है वो लगभग वेद से ही उनकी उत्पत्ति हुई है, फिर भी समस्त भारतीय दर्शन को आस्तिक या नास्तिक दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। दर्शन को मुख्य रूप से किस में भाग बांटा गया है, एक तो आस्तिक और एक हो गया नास्तिक हो गया, ये दो। और ये हमारे यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर आए दोस्तों, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मैं आपको जो भी करवा रहा हूँ ना, यहाँ पे केवल सिलेक्टेड करवा रहा हूँ, फालतू की चीजें कोई नहीं करवा रहा, जो हमारे यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर आई है। और अब देखिए, इन ये दो कैटेगरी आ गई हमारे पास, एक आस्तिक आ गई, एक नास्तिक आ गई, इन दोनों कैटेगरियों के बारे में हम अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। भारत में दर्शन उस विद्या को कहा जाता है जिसके द्वारा तत्व का ज्ञान हो सके। तत्व दर्शन या दर्शन का अर्थ है तत्व का ज्ञान होना, ये आप ध्यान में रखना। और आगे हम बात करते हैं, ये हमारे हमने दो कैटेगरी की, एक आस्तिक की एक नास्तिक की। अब देखिए आस्तिक और नास्तिक के अंदर कितनी कैटेगरी आती है, आगे ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए आस्तिक या वैदिक दर्शन को हम ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी भी कहते हैं, ये चीज आप ध्यान में रखना दोस्तों, और हिंदी इंग्लिश में आप दोनों में याद रखने की कोशिश करना, कहीं हिंदी में ये ना हो कि थोड़ा ऊट पटांग वो दे दे आपको समझ में ना आए, तो आप कोशिश करना कि आपको इंग्लिश में भी ये चीज याद रहे। देखिए आस्तिक या वैदिक दर्शन को आगे 6 भागों में बांटा गया है, ये 6 भाग कौन से है, एक है नंबर एक पे मीमांसा। अब देखिए मीमांसा जो है इसको इंग्लिश में हम मीमांसा ही बोलेंगे, तो आप इसको ऐसे ही याद रखिए, हिंदी में याद रखिए। न्याय को न्याय, वैस वैस वैशेषिक, सांख्य, योग, वेदांत, ये 6 जो है दोस्तों, ये हमारे 6 दर्शन हमारे आस्तिक और वैदिक दर्शन माने गए हैं, ऑर्थोडॉक्स दर्शन माने गए, ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी है ये। और उसके बाद में दोस्तों हमारे पास नास्तिक या अवैदिक दर्शन। अब ये जो ऊपर हमने 6 किया ना, इनको हम डिटेल में करेंगे दोस्तों, डिटेल में करना हमारे बहुत ज्यादा जरूरी है, और इनमें से बहुत क्वेश्चन आए हैं, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आगे हमारे पास नास्तिक या अवैदिक दर्शन, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसको हम और इसको हम अनऑर्थोडॉक्स बोलते हैं, और इसके कितने पार्ट है, इसके 3 पार्ट है, चार्वाक दर्शन, दूसरा है बौद्ध दर्शन, तीसरा है जैन दर्शन। अब देखिए अब इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं कि आस्तिक दर्शन क्या होता है और नास्तिक दर्शन क्या होता है। देखिए आस्तिक और नास्तिक में थोड़ा सा मैं आपको फर्क समझाने की कोशिश करता हूं यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आस्तिक दर्शन क्या होता है, आस्तिक दर्शन वो होता है जो वेदों के अंदर विश्वास करे, वेदों में जो जो बातें लिखी गई है उन पे विश्वास करे, वो क्या हो गया, आस्तिक दर्शन हो गया। और जो लोग वेदों पे विश्वास ना करे, ठीक है, वो क्या हो गया, नास्तिक हो गया। नास्तिक को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे जो भगवान में विश्वास ना करे, वो चीजें भी हो गई। लेकिन यहाँ पे जो इसका मतलब निकल रहा है, वो जो वेद वेद वगैरह है उन पे ध्यान ना दे, उनकी बातों को ना माने, तो वो यहाँ पे बोला जाएगा नास्तिक। और जो वेदों के बारे में अपनी अच्छी राय रखे, उन पे विश्वास करे, उनमें जो बातें लिखी गई है, तो उसको हम क्या कहेंगे, आस्तिक कहेंगे, ठीक है।
तो अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। आस्तिक या वैदिक दर्शन, ऑर्थोडॉक्स जो है उसके 6 पार्ट है, उन सभी के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। और इनसे जो जो क्वेश्चन आए हैं वो साथ के साथ मैं आपको बताता चलूंगा कि ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इनमें से क्वेश्चन रिपीट होता है। ये देखिए, सबसे पहले हमारे पास मीमांसा है, जिसे पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है। ये आप ध्यान में रखना, यहाँ पे मैं आपको साथ के साथ बताता चल रहा हूँ। इसको एग्जाम के अंदर पूर्व मीमांसा भी आया हुआ है हमारा, ठीक है। मीमांसा और पूर्व मीमांसा दोनों के दोनों एक ही चीज है। का उद्देश्य वैदिक कर्म कांडों के संबंध में निर्णय देना है। इसका उद्देश्य क्या है? वैदिक कर्म कांडों के संबंध में निर्णय देना तथा उनकी दार्शनिक महत्ता को प्रतिपादित करना है, और अनेक प्रकार की युक्तियों द्वारा वेदों की प्रमाणिकता सिद्ध करने का प्रयत्न इस दर्शन में मिलता है। ये क्या करता है कि वेदों में जो प्रमाणिकता है उसको सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। उपनिषद तथा वेदांत उत्तर मीमांसा कहे जाते हैं, क्योंकि इनमें कर्म कांडों के स्थान पर ज्ञान का विवेचन मिलता है, ठीक है। पूर्व मीमांसा के प्रेरणाता कौन है? जेमिनी है। ये आप ध्यान में रखना, इनको किसने दिया था? जेमिनी ने बताया था इसके बारे में, ये आप ध्यान में रखना। ये हमारे जो मैच द फॉलोइंग है उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। मीमांसा का प्रधान विषय धर्म बताया गया है, इसके अनुसार वेद ही धर्म के मूल है। मीमांसा दर्शन 6 प्रमाणों को स्वीकार करता है। ये चीज आप अब आप ध्यान रखना, ये चीज आपको पॉइंट आउट नोट कर लीजिए अच्छे से। इसके अंदर 6 बताए गए हैं, 6 दर्शन बताए गए हैं, और ये कौन कौन से हैं आप अच्छे से ध्यान में रख लेना, क्योंकि इसमें से एग्जाम आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है, आपको दिखाने वाला हूं। इसके अंदर कौन कौन से है हमारे? एक तो है प्रत्यक्ष, फिर है अनुमान, फिर है शब्द, फिर है उपमान, फिर है अर्थापत्ति, फिर है अनुपलब्धि। ये चीजें, ये 6 है हमारे। आप इनके केवल नाम याद रख लीजिए, डिटेल में हम इनके बारे में आगे जानने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, इसी में क्या है हमारा, यहाँ पे आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, मैंने हिंदी में भी दिया हुआ है। आगे हमारे पास न्याय दर्शन है। न्याय दर्शन के अंदर क्या होता है? न्याय दर्शन भारत के 6 वैदिक दर्शनों में से एक दर्शन है। इसके प्रवर्तक कौन है? ऋषि अक्षयपाद गौतम है, जिनका न्याय सूत्र इस दर्शन का सबसे प्राचीन एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है, ठीक है। इनके कौन है प्रवर्तक? कौन है? ऋषि अक्षयपाद गौतम इनके प्रवर्तक है। इन्होंने इसके बारे में बताया था, जिन साधनों से हमें ज्ञेय तत्वों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है उन्हीं साधनों को न्याय की संज्ञा दी जाती है। यानी कि जिन तत्वों से हमें ज्ञान ज्ञान का पता चल जाता है, ज्ञान मिलता है, उनको हम क्या कहते हैं? न्याय की संज्ञा दी जाती है। देवराज ने न्याय को परिभाषित करते हुए कहा है कि जिनकी सहायता से किसी सिद्धांत पर पहुंचा जा सके उसे न्याय कहते हैं। यानी कि जिनकी सहायता से किसी सिद्धांत पर पहुंचा जाए उसे हम क्या कहेंगे? न्याय कहेंगे। प्रमाण के आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचना ही न्याय है। प्रमाणों के आधार पर कोई हमारे पास प्रूफ है, उसी के आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचना हमारे लिए क्या है? न्याय है। और इसके अंदर हम एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको मैं बता देता हूँ। ये देखिए, ये जो पैराग्राफ है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारतीय दर्शन में परमाणु उसे कहते हैं जो सत्य ज्ञान करने में सहायता करे, अर्थात वह साधन या प्रक्रिया जिसके द्वारा दूसरी बात का यथार्थ ज्ञान हो, किसी के द्वारा हमें किसी चीज़ का पता चले उसका ज्ञान हो, ठीक है। प्रमाण न्याय का प्रमुख विषय है। जो प्रमाण जो है ना, वो न्याय का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। प्रमा नाम है यथार्थ ज्ञान का। यथार्थ ज्ञान का जो करण हो, अर्थात जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान हो, उसे प्रमाण कहते हैं। अब देखिए, न्याय दर्शन में क्या क्या हमारे दर्शन है उसके अंदर हम देखते हैं। न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है और शब्द है। प्रत्यक्ष के अंदर ये देखिए, न्याय दर्शन के अंदर कितने हमारे? 4 दर्शन है। कौन कौन से है? प्रत्यक्ष हो गया, अनुमान हो गया, उपमान हो गया और शब्द हो गया। और उसके अंदर ऊपर क्या था हमारा? ऊपर हमारे 6 थे। इसके अंदर ये देखिए, हमारा मीमांसा के अंदर कितने थे? 6 थे। और ये मैं आपको बाद में भी रिपीट करवाऊंगा। और दोस्तों मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इनमें से क्वेश्चन आया है और आपको दिखाने वाला हूँ कि इसमें से किस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है हमारा। आप ये वीडियो जरूर देखना दोस्तों, 2020 में जो क्वेश्चन आए हमारे वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ये आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, मैंने इंग्लिश में भी यहाँ पे दिया हुआ है। आगे हमारे पास वैशेषिक दर्शन है। वैशेषिक दर्शन काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आए। इस दर्शन का नाम कणाद और ओल्यूक्यू भी है। इस दर्शन का जो
प्रतिपादक है वो कौन है, कणाद है, उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था, इन्होंने इसके बारे में बताया था। वैश्विक का अर्थ है पदार्थों में भेदों का बोधक। एक मिनट इसको दोबारा से देखते हैं, इसके अंदर क्या है। वैशेषिक का अर्थ है पदार्थों में भेदों का बोधक, यानी कि जो पदार्थ है उनके अंदर क्या क्या डिफरेंस है उसका ज्ञान करने के लिए जो हम करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, वैशेषिक दर्शन कहेंगे। और इसके अंदर जो क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ क्या आए हैं इसके अंदर। इसके अंदर जो हाँ इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द, इन चार प्रमाणों को न्याय दर्शन माना गया। ये चीज हमने ऊपर पढ़ी थी, इनको क्या माना गया, न्याय दर्शन माना गया। लेकिन इसके अंदर वैशेषिक केवल प्रत्यक्ष और अनुमान इन्हीं दो प्रमाणों को मानता है। वैशेषिक दर्शन के अंदर क्या है, केवल दो ही चीजों को माना जाता है, प्रत्यक्ष और अनुमान, इन दो को माना जाता है। और न्याय दर्शन के अंदर चार चीजों को माना गया था, और हमारा मीमांसा के अंदर छह चीजें मानी गई थी। ठीक है, तो ये सभी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको दिखाने वाला हूं आगे। आगे हम बात करते हैं, हमारे पास है सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन के अंदर क्या है, भारतीय दर्शन पद्धति में सांख्य सबसे प्राचीन माना जाता है। महर्षि कपिल के द्वारा सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया गया। ये किसके द्वारा दिया गया था, महर्षि कपिल के द्वारा बताया गया था इसके बारे में। सांख्य दर्शन द्वैतवादी दर्शन है। इसके अनुसार मूल तत्व दो है। दो तत्व कौन कौन से हैं मूल, एक प्रकृति और दूसरा पुरुष यानी कि आत्मा। एक तो प्रकृति नेचर हो गया, दूसरी हमारी आत्मा हो गई, ये दो तत्व इसके अंदर माने गए हैं। यह प्रकृति यानी पंच महाभूतों से बनी हुई है, यानी कि प्रकृति पंचभूत कौन कौन से होते हैं हमारे, जैसे जल हो गया, आकाश हो गया, पानी हो गया, मिट्टी होगी, इनको हम पांच पंचभूत बोलते हैं। और पुरुष यानी जीवात्मा यानी कि चेतना होती है, ये चीजें इसके अंदर सांख्य दर्शन के अंदर। और उसके बाद में हम बात करते हैं योग दर्शन के बारे में, हम बात करते हैं। योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर मन आत्मा एक साथ लाने का काम होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, मेडिटेशन वगैरह करते हैं। योग के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। यह शब्द प्रक्रिया और धारणा हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म में ध्यान प्रक्रिया से संबंधित है। वही बात आ गई, ये मेडिटेशन से संबंधित है। योग शब्द भारत से बौद्ध धर्म के साथ चीन, जापान, तिब्बत, दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि पूरे देश में, अब तो पूरे देश में, सभी दुनिया में ये फैला हुआ है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों वेदांत की बात करते हैं। नंबर छह पे वेदांत की बात करते हैं। वेदांत ज्ञान योग का एक स्रोत है जो व्यक्तियों को ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में उत्प्रेरित करता है, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा कि हम किस तरह से ज्ञान प्राप्त करें, कैसे ज्ञान प्राप्त करें, उसके उसके लिए जिज्ञासा उत्पन्न करेगा। इसका मुख्य स्रोत उपनिषद है जो वेद ग्रंथ और वैदिक साहित्य का सार समझे जाते हैं। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसलिए इसको वेदांत कहा जाता है। वेदांत की तीन शाखाएं जो सबसे ज्यादा मानी जाती है वे है अद्वैत वेदांत, विशिष्ट वेदांत और द्वैत वेदांत। आदि शंकराचार्य, रामानुज और श्री मध्वाचार्य, जिनको क्रमश इन तीन शाखाओं का प्रवर्तक माना जाता है। ये जो तीन शाखाएं हमने पढ़ी है इनके प्रवर्तक कौन है, शंकराचार्य है। शंकराचार्य किसके हैं, अद्वैत वेदांत के हैं। और फिर रामानुज किसके, विशिष्ट अद्वैत के हैं। फिर श्री मध्वाचार्य ये किसके, द्वैत के हैं। इसमें से वैसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया, वेदांत में से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया, फिर भी आप बेसिक नॉलेज के लिए देख लेना, क्या पता आगे इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास है नास्तिक या अवैदिक दर्शन। ऊपर हमने क्या किया था, आस्तिक दर्शन किया था, अब है नास्तिक दर्शन है जो हमारा भगवान वगैरह में विश्वास ना करे, वेदों में जो विश्वास ना करे उसे हम क्या कहेंगे, नास्तिक कहेंगे, या फिर अनऑर्थोडॉक्स फिलोसफर भी कहेंगे। और अब इसके अंदर जो नंबर एक पे आता है दोस्तों वो है हमारा चार्वक दर्शन है, चार्वाक दर्शन है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ चुका है हमारे एग्जाम के अंदर। चार्वक दर्शन एक प्राचीन भारतीय भौतिकवादी नास्तिक दर्शन है, ये आप ध्यान में रख लीजिए। भौतिकवादी नास्तिक दर्शन कौन सा है, चार्वाक दर्शन है। यह मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है, यह किसको मानता है, ये देख लीजिए, यह केवल और केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, दिखाऊंगा मैं आपको, यह केवल किसको मानता है, प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है तथा प्रालौकिक सत्ताओं को यह सिद्धांत स्वीकार नहीं करता, यानी कि परलौकिक जो शक्तियां वगैरह होती है, जो सिद्धांत पहले दिए गए हैं वेदों में, वो ये उसको नहीं मानता।
यह दर्शन वेद वाह्य भी कहा जाता है। चार्वक दर्शन भौतिक विचारधारा है, इसे लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। लोकायत का अर्थ है लोक में, जनता में व्यापक रूप से प्रचलित। ये क्या कहता है ये दर्शन कि जो चीज हमारे सामने फिजिकल रूप से प्रेजेंट है, जो हमारे सामने, जो हमारे समाज के अंदर व्यापक है, जो हमें दिख रही है, वो ही सच है। इन्होंने कहा था ना कि ये देखिए, ये प्रमाण को, ये प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते, जो चीज हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रेजेंट है उसी को ही ये सही मानता है। और इसके अंदर जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये दोबारा पढ़ लीजिए। चार्वक दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, एकमात्र वही सही है, उसी को इसने सही माना है। जिसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, ऐसी चीजों को सत्य नहीं माना जाना चाहिए। संसार की वस्तुओं का हमारी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही बोध होता है, ठीक है। तो ये वही चीज आ गई ना, जो चीज हमारे सामने प्रत्यक्ष हो, जिसको हम छू सकते हो, जिसको हम सूंघ सकते हो, जिसको चख सकते हो, इसी को इसने, चार्वाक ने बिल्कुल राइट माना, और सारी चीजों को इसने डिनाई कर दिया है, और सभी चीजों को इसने छोड़ दिया है, और किसी को भी इसने सही नहीं माना है, ठीक है। और आगे हम देखते हैं, और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। अगर आपको यूजीसी नेट क्लियर करना है तो ये वीडियो आप पूरा देखना। आगे दोस्तों, हमारे पास बौद्ध दर्शन है। बौद्ध दर्शन के अंदर क्या है, बौद्ध दर्शन से अभिप्राय उस दर्शन से जो भगवान बुद्ध के निर्वाण के बाद बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदायों द्वारा विकसित किया गया, बाद में पूरे एशिया में उसका प्रसार हुआ। इसके अंदर क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दुख से मुक्ति बौद्ध धर्म का सदा से प्रमुख ध्येय रहा है। इसका प्रमुख जो मेन पॉइंट क्या रहा है, दुख से मुक्ति बौद्ध धर्म का प्रमुख ध्येय रहा है। कर्म, ध्यान तथा प्रज्ञा इसके साधन रहे हैं। बुद्ध के उपदेश तीन पिटकों में संकलित है। ये तीन पिट क्या है, सुत पिटक, विनय पिटक और अधिम पिटक कहलाते हैं। ये पिटक बौद्ध धर्म के आगमन है, ठीक है। और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं आगे, एक मिनट रुकिए, हाँ जी आगे आएगी, हाँ ये रही एक चीज में। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर बौद्ध धर्म के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बता देता हूं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए इसके अंदर अपोहबाद, अपोहबाद ये काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया था, बौद्ध दर्शन में यथार्थवाद के साथ मिलकर इन्होंने सभी वेदों को अस्वीकार करते हुए और अपने सिद्धांत का पोषण करने के लिए इसकी स्थापना की थी। यानी कि जितने भी हमारे वेद वगैरह थे उनको अस्वीकार इन्होंने कर दिया था, और अपने जो भी सिद्धांत है उनका पोषण करने लग गए थे। तो इसे क्या बोला गया था, अपोहवाद बोला गया था। अपोह का अर्थ है सदृश्य वस्तु के समूह से निदृश्य वस्तुओं को अलग करना, यानी कि जो चीज हमारे सामने प्रेजेंट है उसी को स्वीकार करना, और जो चीज हमें दिख नहीं रही है, जैसे भगवान है, भगवान हमें दिखता नहीं है, तो ये इन्होंने जितनी भी चीजें नहीं दिख रही उन सभी चीजों को छोड़ दिया, और जो चीजें प्रत्यक्ष रूप से दिख रही उनको इन्होंने ले लिया, ठीक है। और एक और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो और मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे बौद्ध दर्शन के अंदर दो चीजों, तीन चीजों को माना गया था। तीन चीजें कौन कौन सी, एक तो थी हमारी प्रत्यक्ष, एक अनुमान, और तीसरा क्या था, अपोहवाद। इन तीन चीजों को इसके अंदर माना गया था। ये तीनों चीज आप अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आया है काफी बार, रिपीट बार, आगे भी इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। ये मैं अभी आपको करवाने वाला हूं। और ये देखिए आगे हमारे पास नंबर तीन पे जैन दर्शन है। जैन दर्शन के अंदर क्या है, जैन दर्शन एक प्राचीन भारतीय दर्शन है। इसमें अहिंसा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, यानी कि जो लड़ाई वगैरह करते हैं उसको इन्होंने अस्वीकार किया है, अहिंसा को इसने सर्वोच्च स्थान दिया है। जैन धर्म की मान्यता अनुसार 24 तीर्थ कर समय समय पर संसार चक्र में फंसे जीवों के कल्याण के लिए उपदेश देने इस धरती पर आते हैं, ठीक है। ये इन्होंने ये बात कही थी। और अगर इसमें और चीजें पढ़ना चाहे तो आप इसमें पढ़ सकते हैं, जैसे कि लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अंतिम तीर्थ कर भगवान महावीर के द्वारा जैन दर्शन का पुनरावरण हुआ था। भगवान महावीर के द्वारा इनका पुनरावरण हुआ था। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज है, इम्पोर्टेंट चीज तो मैं देख लेता हूँ इसके अंदर कुछ है तो इसमें आप देख लेना, अगर आप इसमें पढ़ना चाहे तो पढ़ लेना। यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, फिर भी आप इसमें पढ़ना चाहे तो पढ़ लेना। लेकिन अब मैं आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो और एक बार रिपीट करवा देता हूँ। ये देखिए दर्शन शास्त्र के विषय यहाँ पे दिए गए हैं, और कौन से दर्शन को
किसने रचा था वो यहाँ पे दिया गया है। न्याय है, न्याय को किसने दिया था? गौतम मुनि ने दिया था। और इसके अंदर किन किन चीजों की बात की गई थी? प्रमाण, उत्पत्ति, तर्क, विज्ञान इत्यादि की बात की गई थी। आगे है वैशेषिक दर्शन है, इन्होंने इनको किसने दिया था? कणाद मुनि ने दिया था। सांख्य दर्शन को कपिल मुनि ने दिया था। योग को पतंजलि मुनि ने दिया था। पूर्व मीमांसा को जैमिनी मुनि ने दिया था। उत्तर मीमांसा, और ये मीमांसा वही चीज है हमारी, व्यास मुनि ने दिया था। तो ये चीजें हैं इसके अंदर। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, एक और चीज हम दोबारा फिर से रिपीट कर लेते हैं कि कौन से दर्शन के अंदर किन किन प्रमाणों को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। ये देखिए इन्होंने क्या कहा है कि विभिन्न दर्शनों के विभिन्न संप्रदायों में प्रमाणों की संख्या अलग अलग है। ठीक है, किन किन दर्शनों में कौन कौन से प्रमाण ग्रहित हुए यह नीचे दिया गया है, इसके बारे में हम बताते हैं। मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, बार बार आपको बता रहा हूं। चार्वक है, चार्वक में केवल प्रत्यक्ष ज्ञान के बारे में बताया गया है। अभी हम ऊपर करके आए, चार्वक ने क्या था कि जो चीज प्रत्यक्ष नहीं है उसको इन्होंने छोड़ दिया था, जो केवल भौतिक रूप से दिख रही है उसी चीज को इन्होंने एक्सेप्ट किया था। आगे हमारे पास बौद्धिक, बौद्धिक के अंदर प्रत्यक्ष, अनुमान और एक अपोह, तीन चीजों को इन्होंने एक्सेप्ट किया था। आगे दोस्तों हमारे पास सांख्य दर्शन, इसके अंदर किस किस की बात करते हैं हम? इसके अंदर हम प्रत्यक्ष की बात करेंगे, अनुमान की बात करेंगे और आगम यानी कि शब्द की बात करेंगे। और पांचजल के अंदर भी हम प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम की बात करते हैं। उसके बाद में वैशेषिक के अंदर प्रत्यक्ष और अनुमान की बात करते हैं। और ये आप देख लेना, जैसे रामानुज के अंदर हम प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम की बात करते हैं, ये भी सेम है दोस्तों। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए, कौन कौन से प्रमाण कौन कौन से वेद के अंदर है, ये आप देख लेना। इनमें से क्वेश्चन आया हुआ है और अभी हम करने वाले हैं, थोड़ा सा और इसमें से थ्योरी कर लेते हैं। और यहाँ पे इन्होंने कुछ और जो दार्शनिक है उनके नाम दिए हुए, सभी आप पढ़ लेना, सभी दार्शनिकों के बारे में पढ़ लेना यहाँ पे, ये जितने भी दिए हुए हैं। और इनकी जो फिलोसफी है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट फिलोसफर एंड देयर फिलोसफी, यानी कि अलग अलग जो दार्शनिक है उनकी क्या क्या फिलोसफी थी दर्शन को लेके, तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए इन्होंने ज्ञान का अनुसमरण यानी कि नॉलेज इज रिकोलेक्शन, ये बात किसने कही थी? ये कही थी प्लेटो ने थी, इनका ये मानना था। और आगे ज्ञान या तो विश्लेषणात्मक है या फिर संश्लेषणात्मक है। यहाँ पे आप इंग्लिश हिंदी दोनों के अंदर आप पढ़ सकते हैं, जो भी आपको समझ में आए। ये बात किसने कही थी? ह्यूम ने कही थी, यानी कि नॉलेज इज आइदर एनालिटिक और सिंथेटिक है। उसके बाद हम बात करते हैं ज्ञान संश्लेष्ट है, नॉलेज इज सिंथेटिक, ये बात किसने कही थी कि नॉलेज केवल सिंथेटिक है? ये बात कही थी कांट ने कही थी। उसके बाद में हम बात करते हैं ज्ञान बोध है और बोध ज्ञान है, नॉलेज इज परसेप्शन एंड परसेप्शन इज नॉलेज, ये बात किसने कही थी? बर्कले ने कही थी। ये आप ध्यान में रख लेना दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है एग्जाम के अंदर। और आगे हम बात करते हैं जैसे विशुद्ध तर्क के विरोध एंटीनोमीज ऑफ प्योर रीजन, ये किसने कहा था? कांट ने कहा था। लॉ ऑफ कंट्राडिक्शन, ये किसने बात कही थी? विरोधाभास का नियम, ये किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। और उसके बाद में हम बात करते आगे जैसे स्पष्टता एवं विशिष्टता, ये किसने कहा था? डेकार्त ने कहा था। ये सभी आप देख लेना दोस्तों, ये सभी आप देख लेना दोस्तों, आप इनको आप एक बार पढ़ जरूर लेना, क्योंकि इनमें से हमारे क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे कि कैजुअलिटी इज सिंथेटिक, ये ह्यूम ने कहा था, ये हम ऊपर भी करके आए हैं ना। और कैजुअलिटी इज डेलिकेटिकल, हेगल ने कहा था ये बात। और कैजुअलिटी इज मटेरियल, ये किसने कहा था? ये अरिस्टोटल ने कहा था, कारणता भौतिकता है। और आगे हम बात करते हैं जैसे ये भी आप पढ़ लेना दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें आप एक बार पढ़ जरूर लेना ये कथन, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आ चुका है। और आगे जो हमारे और भी चीजें, ये भी हम देख लेते हैं, जैसे सयादवाद के बारे में कौन से दर्शन ने कहा था? जैन दर्शन ने कहा था। उसके बाद में अनुपलब्धि के बारे में किसने बताया था? वेदांत ने बताया था। अपोह, अपोह की हम बात की थी ना हमने, बौद्ध दर्शन के अंदर की थी अपोह के अंदर। और अपोह क्या है? अपोह वो है जो चीजें हमें सादृश्य दिख रही है, हमारे सामने जो चीजें दिख रही है उनको हम स्वीकार करेंगे, और जो ना दिखने वाली चीजें उनको हम छोड़ देंगे, वो क्या है? अपोह है। और आगे है अभाव, अभाव के बारे में किसने बात की थी? न्याय के अंदर हमने बात की थी।
ये आप सभी देख लेना दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप एक बार जरूर 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 देख लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये। और आगे हम बात करते हैं अरस्तु के दर्शन के सिद्धांतों का कर्म क्या था, ये हमारा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, इनका कर्म क्या था। ये हमने बात की थी ना भौतिक कारण, मेटीरियल कॉज, ये हमने ऊपर बात की थी, अरिस्टोटल ने इसके बारे में बताया था। नंबर एक पे आएगा भौतिक कारण आएगा, फिर आएगा आकारिक कारण आएगा, फॉर्मल कॉज, उसके बाद में सक्षम कारण आएगा, फिर अंतिम कारण आएगा। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे, क्योंकि दोस्तों अगर डिटेल से हम करने लगे ना तो पूरा एक महीना इसके अंदर चला जाएगा। हम यहाँ पे कई चीज़ें ऐसी है जो हमारे समझ में आ रहे हैं उनको हम समझेंगे, लेकिन कई चीज़ें ऐसी है जिनको समझने के लिए हमें बहुत ज़्यादा डीपली जाना पड़ेगा, लेकिन हम उनके डीप में नहीं जाएंगे। जैसे अरस्तु के दर्शन के सिद्धांत का क्रम यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब इन सिद्धांत के अगर के बारे में हम जाने, भौतिक कारण के बारे में जाने, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा। ये चार सिद्धांत है, चार सिद्धांत के फिर आगे और भी पार्ट हो सकते हैं, तो हम ज़्यादा डिटेल के अंदर इसको नहीं पढ़ेंगे। और आगे हम बात करते हैं न्याय दर्शन में न्याय वाक्य के अवयव का क्रम क्या हो सकता है, वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा प्रतिज्ञा, फिर उदाहरण, फिर हेतु, फिर उपनय और फिर निगमन, ये चीज आएगी। और वैसे न्याय दर्शन के बारे में हम आगे और भी जानेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए अब मैं आपको इससे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि आपके दिल में कलेजे में ठंडक पहुंच जाए, आपको पता चल जाए कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए यहाँ पे 2020 के क्वेश्चन पेपर है हमारे पास, 20 में जितनी भी शिफ्ट हुई है उनके क्वेश्चन है यहाँ पे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन से प्रमाण वैशेषिक दर्शन में स्वीकार किए जाते हैं। और ये क्वेश्चन पेपर कब का है हमारा, 24 सितंबर 2020, शिफ्ट एक का क्वेश्चन पेपर है। और इसके अंदर ये क्वेश्चन देखिए 29 कि वैशेषिक दर्शन के अंदर किसको स्वीकार किया जाता है। और हमने दो चीज़ों के बारे में बात की थी ना, दो चीज़ें कौन थी, कौन सी थी हमारी, एक था प्रत्यक्ष था और एक था हमारा अनुमान था। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर दिया है, उत्तर ए, केवल ए और बी, ये क्या है प्रत्यक्ष और अनुमान, यहाँ पे इसका आंसर है। ठीक है, वैशेषिक दर्शन के अंदर हमने बात की थी ना, अभी मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ ताकि आप इसको भूले ना, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। और दोस्तों भूल मत जाना, नहीं तो पिटोगे, बहुत पिटोगे आप। ठीक है, मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको करवा रहा हूँ। ये देखिए वैशेषिक दर्शन के अंदर प्रत्यक्ष और अनुमान दो ही चीजों की हम बात करते हैं, और मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से करवा रहा हूँ दोस्तों। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए, 2012 से लेकर 2020 तक हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चन अलग अलग किए, अगर आपको ये नोट्स चाहिए, टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर चाहिए और हमारे थ्योरेटिकल नोट्स चाहिए, तो आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लेना निमिज नेट, उसके अंदर आपको हमारे पेड कोर्स मिल जाएगा, उसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म में निम्नलिखित में से किनको स्वीकार किया गया है। अब देखिए बौद्ध धर्म की बात आ गई, बौद्ध धर्म में किसको स्वीकार किया गया है, बौद्ध धर्म में नंबर एक तो ये देखिए अपोह, अपोह की हम बात करके आए ना, मैंने कई बार बात बताई है इसके बारे में आपको, नंबर एक पे तो हम इसमें अपोह की बात करते हैं। और दूसरा किसकी बात करते हैं हम, दूसरा बताइए, हम दूसरा बात करते हैं हम प्रत्यक्ष की बात करते हैं, डायरेक्ट चीजों की बात करते हैं। इसके अंदर बौद्ध धर्म के अंदर यही तो कहा गया है कि जो चीज हमें दिखाई देती है उसको हम स्वीकार करते हैं, और जो हमें दिखाई नहीं देती उनको हम छोड़ देते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष जो चीज हमारे सामने डायरेक्ट हो। तो इसका आंसर यहाँ पे इन्होंने दिया है, 3 आंसर दिया है, बी और ई इन्होंने आंसर दिया है। बी के अंदर क्या है अपोह है, और ई के अंदर क्या है प्रत्यक्ष। तो आप देख लीजिए दोस्तों किस तरह से हमारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बिल्कुल आसानी से आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप पहले थ्योरी करते हैं और उसके बाद में क्वेश्चन पेपर करने की कोशिश करते हैं, तो बिल्कुल आसानी से आपका नेट और जेआरएफ दोनों क्वालिफाई हो सकते हैं। और आगे देखिए, आगे बहुत ही जबरदस्त मजेदार क्वेश्चन आया भाई, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आया। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं कथन अभिकथन के क्वेश्चन, आपको काफी कंफ्यूज कर देते हैं और आपको ऐसा लगता है भाई हाय ये तो होगा ही नहीं, ये तो पता नहीं कैसे है। तो अब मैं आपको करवा के दिखा रहा हूं, अब देख लीजिए इसके अंदर ये क्या कहा गया है। श्रुति और स्मृति इन दोनों के बीच में हमने बात की थी ना, सबसे पहले इसी के बारे में हमने पढ़ा था। ये देखिए यदि श्रुति और स्मृति के बीच प्रतिस्पर्धा होती है तो श्रुति स्मृति से अधिक प्रभावी होती है। ये देखिए ये इन्होंने बात कही है कि दोनों के बीच में अगर
कंपटीशन होता है तो किसको ज़्यादा सही माना जाएगा, तो ये हमने की थी ना, सबसे पहले ही हमने बात की थी। मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये चीज़। ये देखिए, हमने सबसे पहले ही इसके बारे में बात की थी। ये देखिए श्रुति, और इसके अंदर ये था, श्रुति और स्मृति में कोई भी विवाद होने पर श्रुति को ही मान्यता मिलती है, स्मृति को नहीं, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे यदि श्रुति और स्मृति के बीच प्रतिस्पर्धा होती है तो श्रुति स्मृति से अधिक प्रभावी होती है, यानी इसका जो अभिकथन ए है, ए बिल्कुल राइट है, ठीक है, ये हमें पता चल गया यहाँ से। और देख लीजिए आप, अगर आप थ्योरी करते तो कितनी आसानी से कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, श्रुति वेदों उपनिषदि सॉरी श्रुति जो है वेदों और उपनिषदों के दार्शनिक पहलुओं को दर्शाती है, ठीक है, ये बिल्कुल बात सही है। श्रुति क्या है, श्रुति जो भी हमारे वेद वगैरह है उनके बारे में जो बातें कही गई है ऋषि मुनियों के द्वारा, वो बताता है इसके बारे में, ये बात भी इसकी बिल्कुल सही है। आगे हम बात करते हैं, जबकि स्मृति दार्शनिक विचारों का एक अनुप्रयोग है, यानी कि जो विचार उन्होंने दे दिए उनका उनको प्रयोग करना, आगे मॉडिफाई करके या फिर उसका विस्तार करना, वो हम कह सकते हैं स्मृति के अंदर। लेकिन जो श्रुति होती है वो हमारी ओरिजिनल चीज होती है, ये चीज है इनके अंदर। तो अब देखिए इसके अंदर क्या है, इसका आंसर क्या दिया है, आंसर इन्होंने दिया है, उत्तर ए दिया है। एक के अंदर क्या है, ए और आर दोनों सही है, ये बात हम करके आए हैं ना ऊपर, दोनों की दोनों बातें बिल्कुल राइट है यार, बिल्कुल राइट है, क्योंकि हमने थ्योरी की है, थ्योरी से हमें बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया। और आर जो है ए की सही व्याख्या है, क्योंकि ये जो आर तर्क है ना, ये ए को बिल्कुल सही स्पॉट कर रहा है। तो देख लीजिए यार कितना आसान है हमारे लिए करना, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सबसे पहले थ्योरी कीजिए, थ्योरी के बाद में उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन करके देखिए, आपका नेट तो क्या है यार, आपका जेआरएफ भी हो जाएगा। और अगर आपको दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी है ना, तो इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर 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 कीजिए। और आप बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, जरूर बताइए कि क्या हमें ऐसे ही स्टडी करवानी चाहिए, पहले थ्योरी और उसके बाद में क्वेश्चन आपको दिखाने चाहिए, ताकि आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ सके, ठीक है। आप जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर 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 बताना। और अभी मैं आपको और कई क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ हमारे इंडियन लॉजिक से रिलेटेड क्वेश्चन। ये देखिए ये हमारे, हाँ ये तो वो है, ठीक है ठीक है। ये देखिए ये रहा हमारा सूची, मिलान करना, मैचिंग वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था ना। अब देखिए इसके अंदर कितना आसान है यार, कितना आसान हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है कि जैन यहाँ पे संप्रदाय दिए हैं, यानी कि अलग अलग धर्म दिए हैं, और उन उनकी क्या क्या बातें किससे मैच कर रही है वो हमें बताना है। अब देखिए यहाँ पे अपोह आ गया, ऑप्शन नंबर सी में देखिए अपोह आ गया। अपोह में अपोह किसकी बात करता है, बौद्ध धर्म बात करता है ना अपोह के अंदर। तो ये देखिए ये क्या हो जाए, क्या हो जाए, सी में क्या आ जाएगा, बौद्ध धर्म आ जाएगा, सी का टू आ जाए। अब सी का टू देख लीजिए किसके अंदर है, सी का टू क्या है, ऑप्शन नंबर टू के अंदर है और हमारा थ्री के अंदर है, ये बात बिल्कुल सही है। और आगे हम बात करते हैं न्याय है, न्याय किसकी बात करता है, बौद्ध वेदांत किसकी बात करता है, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको ऊपर करवाई थी ना, याद है आपको, ठीक है, याद रख लीजिए अच्छे से, नहीं तो मैं आपको तोड़ दूंगा भाई, हाँ तोड़ दूंगा मैं, आप अच्छे से याद रखिए। इसका आंसर देखिए, आंसर यहाँ पे थ्री दिया हुआ है इन्होंने, ए का फोर है, अभाव, अभाव किसकी बात, अभाव न्याय, ये देखिए अभाव किससे मैच हो जाएगा, न्याय से मैच हो जाएगा। अपो मैंने आपको रटा दिया है, अपो किससे होगा, बौद्ध धर्म से रिलेटेड होगा। तो आप इस तरह से बिल्कुल आसानी से इसको याद रख सकते हैं। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने एक चीज हो रहा है दोस्तों, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर ये क्वेश्चन दिए हुए, ताकि आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सके। और दोस्तों आपको मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है तो आप हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके अंदर हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करवाते हैं, आपको टॉपिक वाइज नोट्स देते हैं और टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन पेपर अलग अलग देते हैं। जैसे आज तक जो भी क्वेश्चन रिसर्च के आ चुके हैं वो अलग है, टीचिंग के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है। अब ये देखिए एक और हमारा क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन से संप्रदाय ने अनुमान को एक ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकार नहीं किया है। अब ये देखिए, ये एक मिनट रुक जाइए, इसका मैं आंसर नहीं दिखाना चाहता आपको, दिखाऊंगा नहीं। ये देखिए निम्नलिखित में से कौन से संप्रदाय ने अनुमान को एक ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकार नहीं किया है, और इसका मैं आंसर नहीं दिखाऊंगा आपको, आंसर आपको खुद देना है इसका आंसर। ये देखिए आंसर मैंने
छुपा लिया भाई, ये छुपा लिया मैंने आंसर। अब ये बताइए इसका आंसर क्या आएगा, अद्वैत वेदांत, वैशिष्टाद्वैत, चार्वक या सांख्य, कौन सा आएगा, क्या आंसर आएगा? और बिल्कुल आसान आंसर है भाई इसका, बिल्कुल आसान आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 का आप आंसर जरूर 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 देना, देखूंगा कौन इसका आंसर देता है या नहीं देता। बिल्कुल आसान है ये, ठीक है। और अब मैं आपको इसका आंसर तो खैर दिखाऊंगा नहीं, मैं आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आप इसका आंसर मेरे को देना, और जल्दी से मैं ऊपर ले जाता हूँ इसको ताकि आपको आपको आंसर दिखाई ना दे, ठीक है। और आगे हम देखते हैं आगे और कौन सा क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है भाई हमारा, देखते हैं अगर कोई एक और क्वेश्चन है या नहीं है हमारा। काफी क्वेश्चन है यार, काफी क्वेश्चन है यहाँ पे, आप ये सभी क्वेश्चन कर लेना भाई। और अभी देखिए अगर हम एक एक क्वेश्चन करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, तो आप सभी से यही कहूंगा कि अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो आप हमारे ये नोट्स ले सकते हैं हमारी ऐप के अंदर, पेड कोर्स के अंदर, उसमें आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल निमिज नेट पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। दोस्तों अगर आपको नेट और जीआर चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोस देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है, हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमिजी नेट है तो जीआरएफ है।